हेलो एवरीवन, दिस आलियर। तो गाइस, हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रोन ऑफ सील एपिसोड 148 के नॉवल को। तो गाइस, अगर आपने हमारी किसी भी नॉवल की एक्सप्लेनेशन को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हाउचे था उसने लुआनियू को हरा दिया था और उसकी टीम से 1,00,000 क्रेडिट पॉइंट्स अर्न कर लिए थे। उसके बाद जो हाउचेन होता है वो अपनी टीम मेंबर के पास आता है और उनसे 6 महीने के लिए इंटेंस ट्रेनिंग के लिए वह उन्हें टावर ऑफ इटर्निटी में ले जाने की बात करता है। और जो हाउचेन होता है वो अपनी टीम को नेक्रोमेंसर के बारे में बताता है। तो जब उसकी टीम वाले नेक्रोमेंसर शब्द सुनते हैं तो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और अपने दिमाग पर जोर लगाते हुए सोचते हैं नेक्रोमेंसर। तभी वो लोग अपने दिमाग पर जोर डालते हुए शौक में चिल्लाते हैं, क्या नेक्रोमेंसर पर हाउचेन, तुम हमें नेक्रोमेंसर कहाँ ले जाने वाले हो, सही सही बताओ। तो वहाँ पर हाउचेन जो होता है वह उस विजिटिंग कार्वन में हाउचेन के साथ जो कुछ भी हुआ वो सारी चीजें उन लोगों को एक्सप्लेन करने लगता है और अपना एटर्नल मेलोडी लॉकेट भी दिखाता है और उन्हें एलेक्स के बारे में बताता है जो उसे उस विजिटिंग कार्बन गुफा में मिला था। और वहां पर जो हाउचेन होता है वह उन लोगों से माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने यह सच्चाई टेंपल ऑफ अलायंस को नहीं बताई। तभी उसी में से जो चीन इंगर होती है वह हाउचेन से पूछती है, हाउचेन तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि उस एलेक्स ने जो एक नेक्रोमेंसर था उसने तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया है, पर मेरा एक क्वेश्चन है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो तो एक डार्क एलिमेंटल प्रॉपर्टी वाला बंदा है और बल्कि सारे नेक्रोमेंसर तो बुरी शक्ति वाले होते हैं और तुम्हारे पास तो सन ऑफ लाइट की पावर है जो अंधेरे का दुश्मन और सच्चाई का प्रतीक है, तो वो तुम्हें कैसे अपना उत्तराधिकारी बना सकता है। तो वहाँ पर हाउचेन कहता है कि वह जो नेक्रोमेंसर एलेक्स था उसने कहा था कि उसे कई सदियों से एक अच्छे इंसान की आवश्यकता थी जिसे वह अपनी पावर्स और अपनी सभ्यता देकर इस नेक्रोमेंसर सभ्यता को बचा सके, क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि बुराई के रास्ते पर चलने पर उसका विनाश ही होगा, इसीलिए वह एक अच्छी शक्तियों वाला और एक अच्छी आदमी की उसे जरूरत थी जो उसकी सभ्यता को हैंडल कर सके और यह उसका प्रतीक है। तभी उसमें से वहाँ पर लिलिन बोलता है, हाउचेन तुमने क्या उस नेक्रोमेंसर सभ्यता और उसकी सारी स्किल को सीख लिया है। तो हाउचेन कहता नहीं, मैं उसे नहीं सीखूंगा। तो वहाँ पर लिलिन जो होता है वो हाउचेन को समझाते हुए कहता, हाउचेन तुम्हें यह सीख लेनी चाहिए क्योंकि अगर तुम वो सारी टेक्निक्स और सारी उस स्किल को प्रैक्टिस करोगे तुम्हारी कल्टीवेशन काफ़ी स्पीड के साथ बढ़ेगी, क्योंकि तुम सोच सकते हो कि नेक्रोमेंसर की सभ्यता और उसकी स्किल कितनी ज़्यादा पावरफुल। उन्होंने अपनी पावर्स की मदद से आज से 10,000 पहले इस कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल इंसानों की जिनकी पावर डेमन गॉड एम्परर से भी ज़्यादा थी उनको भी हराकर पूरी तरह जड़ से ख़त्म कर दिया था। तो हाउचेन कहता है इसीलिए तो मैं नहीं सीखूंगा, इन लोग की गलतियों की वजह से ही आज हम लोग राक्षसों से इतना डरते हैं। तो वहाँ पर लिलिन कहता हाउचेन तुम मेरी बात पूरी तरह से समझे नहीं, तुम नेक्रोमेंसर की सारी स्किल्स और सारी टेक्निक्स को सीख लो क्योंकि अगर तुम उनकी स्किल्स को सीख लोगे तो तुम्हारी कल्टीवेशन काफ़ी स्पीड के साथ बढ़ेगी। और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि स्किल्स और कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरत है और उनकी सभ्यता से तुम्हारे ऊपर कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और तुम्हारी पावर ही बढ़ेगी। और मैं तुम्हें कहता हूँ कि गलत काम तो हमारी टेक्निक के साथ भी किया जा सकता है, यह डिपेंड बंदे पर करता है कि वह इन स्किल और पावर्स का किस तरह से उपयोग करता है। और तो हाउचेन कहता है चलो मैं इस बारे में सोचूंगा। उसके बाद जो हाउचेन होता है वो अपना एटर्नल मेलोडी लॉकेट को टच करता है और उससे कहता है ओपन द डोर। और तभी अचानक हाउचेन के सामने से एक बहुत ही बड़ा गोल सा ब्लैक होल खुल जाता है और जो हाउचेन होता है वो अपने सभी साथियों के साथ टावर ऑफ इटर्निटी में इंटर करता है। और वहाँ पर जो लोग इंटर करते हैं वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो हाउचेन होता है वो हानियो के पास जाता है और अपने पास से कुछ मैजिकल क्रिस्टल निकाल कर हानियो को खिला देता है जिससे उसकी भी पावर्स बढ़ सके। उसके बाद जो हाउचेन होता है वह सभी लोगों से प्रैक्टिस करने के लिए कहता है और सभी लोग 3 महीने तक लगातार प्रैक्टिस करते हैं। और 3 महीने की कल्टीवेशन के बाद हाउचेन के जो डीमन हंट स्क्वाड सील होती है उस पर एक मैसेज पॉपअप होता है
और उसमें लिखा होता है कि टेंपल ऑफ अलायंस ने सबको नोटिस दिया है कि सभी डीमन हट स्क्वाड जहाँ कहीं भी है वो एक बैटल मिशन के लिए सभी लोग टेंपल ऑफ अलायंस में रिपोर्ट करें। और टेंपल ऑफ अलायंस के पास एक आपातकालीन बैटल मिशन आया जिसे पूरा करना काफी ज्यादा जरूरत है। और सभी डीमन हट स्क्वाड चाहे जनरल ग्रेड के हो, चाहे लो ग्रेड के, चाहे कमांडर ग्रेड के, चाहे किंग ग्रेड के, सभी लोगों को टेंपल ऑफ अलायंस में आना ही होगा। और जो डीमन हट स्क्वाड नहीं आएगा उस पर प्रति व्यक्ति 10,000 क्रेडिट पॉइंट्स का जुर्माना लगेगा। अगर पूरी डीमन हट स्क्वाड टीम नहीं आती है तो उस पर 60,000 का जुर्माना लगेगा। तो गाइस यहाँ पर जो हाउचन होता है वो सील देखकर उस मैचेस को देखकर सोचता है कि आखिर टेंपल ऑफ अलायंस में ऐसा कौन सा मिशन आ गया है जिसे पूरा करने के लिए हमें यहाँ पर सारी डीमन हंट स्क्वाड को ही बुलाया गया है। और हाउचन तभी खड़ा होता है, जो हाउचन होता है वो खड़ा होता है और अपनी सारी टीम मेंबर से कल्टीवेशन रोकने को कहता है। तभी उसी में से लेडी वांग युआन युआन बोलती है कि हाउचन आखिर क्या हो गया, हम यहाँ पर 6 महीने तक प्रैक्टिस करने वाले थे। तो हाउचन अपनी सील दिखाते हुए उन मैसेज को दिखाता है जिसे देखकर वहाँ पर सारे लोग शॉक में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा मिशन आ गया जिसमें सारे डीमन हंट स्क्वाड को बुलाया गया है। उसके बाद जो हाउचन होता है वो अपनी टीम के मेंबर्स की बढ़ी हुई कल्टीवेशन को देखता है जिसमें चीन इंगर को छोड़कर हाउचन के टीम के ऑलमोस्ट सारे लोग लेवल 5 के फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके थे। और वहां पर जो हाउचन था वो लेवल 6 पर नहीं पहुंच पाया था क्योंकि वह कुछ प्रॉब्लम्स के कारण बार बार लेवल 6 तक पहुंचने में फेल हो जा रहा था। और हाउचन लगातार 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था पर सफलता नहीं मिल रही थी। और जो हाउचन होता है उसे कई बार मन में विचार आते हैं कि वह नेक्रोमेंसर टेक्निक को सीखकर लेवल 6 तक पहुंच जाए और उसकी पावर्स को भी प्रैक्टिस करने लगे क्योंकि हाउचन की माइंड में एलेक्स की 1,000 साल की पूरी कल्टीवेशन मेथड और उसकी टेक्निक्स थी। और जो हाउचन होता है वह फिर ऐसा नहीं करता और कहता है मुझे किसी भी तरह लेवल 6 तक पहुंचना होगा। उसके बाद हाउचन जो होता है वह फिर से अपनी लॉकेट को टच करके वहां पर ब्लैक होल खोल के वह सीधे अपने विला में अपनी टीम मेंबर्स के साथ चला जाता है। उसके बाद जो हाउचन होता है वह कहता है कि हम जो मिशन करने जा रहे हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और जो हाउचन होता है वह अपनी टीम के सारे मेंबर से कहता है कि चलो डीमन हट स्क्वाड के वीपन हॉल में चलकर हम लोग वहां से सभी के लिए ग्लोरियस टायर के वीपन खरीद लेते हैं क्योंकि हम लोग जिस मिशन पर जा रहे हैं वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और हमें वहां पर कोई भी कंजूसी नहीं दिखानी है और इस टाइम हमारे पास क्रेडिट पॉइंट्स की कमी नहीं है। उसके बाद जो हाउचन होता है वह लिलिन के तरफ देखता है और कहता है लिलिन इस टाइम हमारे पास कितने क्रेडिट पॉइंट्स हैं। तो लिलिन कहता है रुको अभी देख कर बताता हूँ और वह अपना जो कार्ड होता है उसमें चेक करता है और बताता है हाउचन को इस टाइम हमारे पास 2,45,000 क्रेडिट पॉइंट्स है और मेरे पास बहुत सारे स्पिरिचुअल पिल्स भी हैं। तो हाउचन कहता है अच्छा बताओ तुम्हारे पास कितने प्रकार की पिल्स हैं और कोई बढ़िया सा पिल्स है। तो वहां पर जो लिलिन होता है वह कहता है मेरे पास स्पिरिचुअल ब्रस्टिंग पिल्स की काफी बड़ी मात्रा है जिन्हें हम वीपन हॉल में जाकर वहां पर एक दुकान खोलकर बेच देंगे और तुम्हारे पास कुछ होगा तो देना मैं वहां पर भी बेच दूंगा। और मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास 14 ऐसी गोलियां हैं जिनका अगर हम यूज करेंगे तो हम लोग एक लेवल 8 के बंदे से फाइट करने के लिए एबल हो जाएंगे। तो हाउचन कहता है क्या तुम्हारे पास सच में ऐसी गोलियां? तो लिलिनो जो होता है वह अपने थैली से 14 गोलियां निकाल कर दिखाता और हाउचन को बताता है कि अगर हम लोग सारे लोग अपनी पावर्स का यूज करके इस स्पिरिचुअल ब्रस्टिंग पीस को ले लेते हैं तो अगर हमारे पास कोई लेवल 8 का भी कल्टीवेटर आ जाए तो हम लोग एक फॉर्मेशन बनाकर 20,000 से भी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगी। पर एक इसका नुकसान है, अगर हम इसका यूज करेंगे और जब इसका असर ख़त्म होगा तो हमें एक काफ़ी बड़े रेस्ट की ज़रूरत होगी। और जो हाउचन होता है वह लिलिन की तारीफ करता है। तभी वहां पर जो लिलिन होता है वो हाउचन को कई प्रकार की गोलियां दिखाता है जिसका यूज करके वो लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी तेज रिकवर और बढ़ा भी सकते थे। लिलिन को इतना ज्यादा बकर बकर बोलते हुए वहां पर जो सीमा जियान होता है वह तभी लिलिन को कहता है लिलिन तुम्हारे पीछे देखो ली सिन आ गई है। तभी वहां पर जो लिलिन होता है वह खुशी में पीछे मुड़कर देखता है, कहता है लिलिन ली सिन कहाँ हो तुम, और पीछे इधर उधर ऊपर नीचे ताक कर उसे खोजने लगता है। और तभी वहां पर जो सारे टीम मेंबर्स होते हैं उसे देखकर हंसने लगते हैं।
और गाइस यहाँ पर जो लिलिन था उसने टावर ऑफ इटर्निटी में प्रवेश करने के बाद जब कल्टीवेशन से उसे थोड़ा भी समय मिलता था तो एक खास डिवाइस की मदद से लिलिन से बातचीत कर लिया करता था और इसी की वजह से उसने वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं लगाया। तभी वहाँ पर जो सीमा जियान होता है हंसते हुए कहता है, अरे आशिक तुम इधर उधर क्या देख रहे हो, वो अपने घर पर होगी। तभी वहाँ पर जो लिलिन होता है वह गुस्से में कहता है, और तभी जो लिलिन होता है वह सीमा जियान को गुस्से में देखते हुए कहता है कि सीमा जियान तुम मुझसे ऐसा बेहुदा मजाक मत किया करो वरना। तो सीमा जियान कहता वरना बताओ तुम क्या कर लोगे। तो लिलिन कहता अगर अच्छा तुम ऐसा बोल रहे हो तो सुनो, जब तुम्हें किसी भी स्पिरिचुअल ब्रस्टिंग पिल्स की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें पेट खराब करने वाली स्पिरिचुअल पिल्स दे दूंगा तो तुम्हारा उस टाइम क्या हालत होगा सोच कर ही देख लो। और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी सीमा जियान कहता अच्छा ये बात है, तो अगर मैं लीसिन के पास चला जाऊँ और उससे कह दूँ कि तुम उसे चीट कर रहे हो, तुम दो दो गर्लफ्रेंड रखे हो तो लीसिन तुम्हारा क्या हालत करेगी। तभी वहाँ पर लिलिन कहता अरे सीमा भाई मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गए। उसके बाद जो हाउचन होता है इन सारी लोगों की बहस को शांत करवाता है और विपन हॉल में लेकर पहुँचता है और वहाँ पर वो सेकंड फ्लोर पर चला जाता है। और वहाँ पर जो हाउचन होता है वो कायर के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि कायर इस समय उसके चार सेंसेस नहीं है। और यहाँ पर जो असैसिन की सबसे मेन वीकनेस होती है वो होता है डिफेंस। तो हाउचन जो होता है वह कायर के लिए एक मजबूत सा कवच खरीदने के लिए इधर उधर सेकंड फ्लोर पर घूमने लगता है और तभी कायर को एक वीपन पसंद आता है जो एक था कवच, और वो कवच था स्पिरिचुअल कवच। और जो हाउचन को कवच पसंद आता है वो हार्डर कवच था। तो हाउचन कायर से कहता है कि कायर तुम्हें हार्डर कवच ही लेना चाहिए। तो वहाँ पर कायर कहती है नहीं नहीं मुझे स्पिरिचुअल कवच ही चाहिए। और ये दोनों आपस में एक दूसरे के हाथ पर लिखकर बातें कर रहे थे क्योंकि कायर इस टाइम बोल और सुन नहीं सकती थी और ऐसे आपस में लड़ रहे थे, मतलब हाथ पर लिख कर लड़ रहे थे। और यह देखकर जो हाउचन की टीम थी वह अजीब सी हंसी हंस रही थी कि आखिर वे लोग इशारे में क्या बातें कर रहे हैं। तभी वहाँ पर हाउचन को एक बंदा पीछे से आवाज लगाता है। तो हाउचन रुकता है, पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक बंदा होता है जो बड़ी सी तलवार अपने पीठ में खोसा होता है। उसके बाद वह बंदा सीधे हाउचन के पास आता है और कहता है मेरा नाम फोमिंग है और मैं 8 ग्रेड डीमन हंट स्क्वाड का कैप्टन हूँ। तो हाउचन उन्हें देखकर सोचता है कि ये तो मामला 3 महीने पहले ही सुधर गया था तो ये लोग फिर से मेरे पास क्यों हैं। तो हाउचन कहता हाँ बताइए मैं आपकी कौन सी मदद कर सकता हूँ, क्या आप पिछले 3 महीने वाला मामला लेकर अभी तो नहीं आए हैं। तो वहाँ पर जो कमांडर होता है वह कहता नहीं नहीं मेरी टीम की इसमें गलती थी। उसके बाद वह जो कमांडर होता है वह अपने पीछे से 2 लोगों को निकालता है और ये वो और कोई नहीं बल्कि वही मोटा बंदा होता है और वह लड़की होती है जिसने हाउचन को उससे फाइट करने के लिए उकसाया था। उसके बाद वह जो कमांडर होता है वह उन दोनों को डांटते हुए कहता है कि कमांडर हाउचन से माफ़ी मांगो। उसके बाद वो दोनों माफ़ी मांगते हैं तो हाउचन कहता है और वो दोनों हाउचन के सामने झुककर माफ़ी मांगते हैं और जो कमांडर होता है वह कहता हटो। उसके बाद जो कमांडर होता है वो हाउचन के पास जाता है और कहता है हाउचन आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए। और तभी वो जो कमांडर होता है वो हाउचन के पास आता है और कहता है हाउचन आज से 3 साल पहले जब हम लोग भी न्यू जनरल डीमन हंट स्क्वाड बने थे तो हम लोगों के टीम के पास भी एक न्यू ऐसे ही मेंबर आया था और उसने हम लोगों को यही मिशन दिया था और इसी तरह से हमारे बहुत सारे क्रेडिट पॉइंट्स छीन लिए थे और तभी से हमारी टीम काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी है और इसीलिए हम लोग कोई भी काम सही से नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं यह सब मेरी ही गलती है तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।